तो दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है नया स्ट्रीमिंग डिवाइस जिसका नाम है MiTV स्टिक। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इसी स्टिक के बारे में बातें, जानेंगे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले इस MiTV स्टिक के बारे में। तो MiTV स्टिक जो है ये फुल HD सपोर्ट करती है, मतलब आप इसमें 1080p की वीडियो 60fps के साथ देख सकते हैं। ये Dolby Plus DTS को सपोर्ट करता है। CPU की बात करें तो ये 1.4 GHz क्वाड कोर पे चलता है। इसमें GPU Mali 4T लगा हुआ है। 1 GB रैम और 8 GB की स्टोरेज हमको इसमें देखने के लिए मिलती है। और ये TV स्टिक Wi-Fi 5 को सपोर्ट करता है जिसमें हम डुअल बैंड चला सकते हैं 4.2.4 और 5 GHz दोनों। और बात करें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो ये सपोर्ट करता है 4.2 को। अब इनबॉक्स कंटेंट के बारे में अगर बात करें तो हमको मिलता है मी टीवी स्टिक, USB केबल, पावर अडैप्टर, रिमोट और एक यूज़र मैनुअल। तो हम बात करते हैं रिमोट के बारे में। MiTV स्टिक में भी Mi 4K बॉक्स की तरह रिमोट दिया गया है जिसमें हमारे पास है ऑन ऑफ का बटन, उसके नीचे गूगल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन है, तब चैनल स्विच करने के लिए बटन्स हैं, उसके नीचे होम पेज के लिए बटन है, बैक जाने के लिए बटन है और ऐप गैलरी के लिए बटन है। उसके बाद हमारे पास है नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम के लिए डेडिकेटेड बटन और उसके नीचे है वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन। इस रिमोट में हमको म्यूट बटन नहीं देखने के मिलता। तो बात करें प्राइसिंग की तो Xiaomi ये MiTV स्टिक जो है वो 2799 की प्राइस पे लेके आया है, जो कि इतने सारे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अच्छा प्राइस है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।